अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा डांगवा यूनिवर्सिटी के बारे में। ये चाइना की यूनिवर्सिटी है। सबसे पहले मैं आपको इसकी रैंकिंग दिखा दूं जल्दी से। अगर QS वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर देखा जाए तो डांगवा यूनिवर्सिटी जो है ये 901 नंबर पे आती है, 901 से लेके 950 नंबर तक QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। अभी हम चलते हैं, आपने इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है, उसकी स्कॉलरशिप ये कौन सी आपको ऑफर कर रहे हैं। ये जो स्कॉलरशिप आपको दे रहे हैं चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, जिसको हम CSC भी कहते हैं। ये जो है कैटेगरी बी के ऊपर है। CSE के ऊपर मैंने एक ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो CSE के अंडर आते हैं। CSE के अंदर एक तो मास्टर लेवल के प्रोग्राम्स आते हैं और एक PhD लेवल के आते हैं, और उसके सब्जेक्ट्स भी मैंने दिए हुए हैं जो मैंने CSE की जो मैंने वीडियो बनाई है। सबसे पहले आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। जब आप इसके अंदर अप्लाई कर लेंगे, अगर आप जब आपका एडमिशन यहाँ पे हो गया इस यूनिवर्सिटी के अंदर या किसी भी चाइना की यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आपने इसका जो प्री एडमिशन लेटर होता है ये आपको यूनिवर्सिटी जारी करेगी। फिर उसके बाद आपने जो प्री एडमिशन लेटर है वो आपने CSE की वेबसाइट पे जाके उसको अपलोड कर देना है। और CSE का अकाउंट आप किसी भी वक्त बना सकते हैं। आप मेरी वीडियो को देखें और CSE का अकाउंट जो है वो बना लें, उसके अंदर अपना फॉर्म वगैरह फिल कर लें, सारा कुछ कर लें, उसको ओके कर लें। इसलिए उसका आप फॉर्म कभी भी फिल कर सकते हैं, उसकी काफ़ी लंबी डेट है, अभी उसको काफ़ी टाइम है। आप उसके अंदर करके रख लें। जैसे ही आपको बाकी चाइनीज यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते रहें, 3, 4, 5, 6, अगर किसी में से भी आपको जब प्री एक्सेप्टेंस लेटर आ जाए, मिसने आपको एडमिशन दे दें, जैसे ही वो आपको एडमिशन दे दें, आप वो वाला लेटर जाके वहाँ पे CSE की साइट पे डाल दें, तो इस तरह आपको जो गवर्नमेंट है वो स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर कर लेगी। जब आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो आपकी टोटल 100% फ़ी जो है वो फ़ी भी ख़त्म हो जाएगी, साथ साथ वो आपको $400-500 वो भी आपको पे करेंगे हर मंथली, मतलब कि वो आपको देंगे, मतलब कि आपकी स्टाइपेंड लग जाएगी। इस तरह करके आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं, सबसे पहले तो आपने एडमिशन लेना है, तो आप मेरी वो वाली वीडियो देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो टाइप बी के अंदर आते हैं, जो CSE की स्कॉलरशिप है उसके अंडर। तो आप वीडियो वो देखें, साथ वो उसका फॉर्म भी फिल कर लें, ताकि जैसे ही फिर ये आपको एडमिशन मिले तो आप वहाँ पे जाके इस फॉर्म को, यूनिवर्सिटी के फॉर्म को अपलोड कर दें, तो इस तरह करके आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अभी ये देखें नीचे, फिर उन्होंने इस यूनिवर्सिटी के बारे में अभी मैं बात करता हूँ। उन्होंने लिखा हुआ है कि जो कैटागरी बी है चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप कैटागरी बी, जिसकी मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में ना, इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन होगी उसमें मैं उसका लिंक दे दूंगा, ताकि आप वहाँ से उसको क्लिक करके तो आप उस वीडियो में चले जाएंगे, या वैसे आप मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाके भी चाइनीज जो बनी हुई है उसके अंदर से उसको ले सकते हैं कि जी CSE की स्कॉलरशिप। ये देखें अभी इस वीडियो के अंदर उन्होंने बताया हुआ है, एक तो आपकी ट्यूशन ख़त्म हो जाएगी और आपको मेडिकल अलाउंस मिलेगा, आपको ये बाकी भी उन्होंने लिखा हुआ है, रहाइश का भी मिलेगा, फिर उन्होंने आपको स्टाइपेंड की भी अमाउंट लिखी हुई है, और उन्होंने साथ उन्होंने डेडलाइन भी लिखी हुई है कि इसकी जो डेडलाइन है February 28 है, अभी काफ़ी टाइम है इसको। फिर बाद में उन्होंने एलिजिबिलिटी वगैरह लिखी हुई, आप चेक कर लें, ज़ाहिर है वो तो आपकी है, अगर आपके पास बैचलर है तो आपके पास है, और बाद में अगर आपके पास मास्टर है तो आप PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी उन्होंने नीचे फिर उसकी डिटेल्स वगैरह लिखी हुई हैं, आप इनको पढ़ लें। बाद में ये लिखा हुआ है कि ये देखें 28 फरवरी तक की है। अभी हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और एप्लीकेशन को हम फिल करेंगे और इसके अंदर अप्लाई करेंगे स्कॉलरशिप के अंदर, मतलब इस यूनिवर्सिटी के हम एडमिशन लेंगे। फिर उसके बाद आपने CSE की साइट पे जाके, जब आपको एडमिशन मिल जाएगा तो आपने वहाँ पे जाके इसकी एप्लीकेशन जो है प्री एडमिशन का लेटर होगा वहाँ पे अपलोड करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आने के बाद ये इसका खुल गया, इस यूनिवर्सिटी का पेज। क्योंकि मैं नया हूँ तो सबसे पहले मैंने अपना यहाँ पे अकाउंट जो है वो बनाना है। सबसे पहले मैं रजिस्टर नाउ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखें अकाउंट बनाने के लिए मैं लिखा हुआ है कि अपना पासपोर्ट नंबर मैंने यहाँ पे लिखा था पासपोर्ट नंबर, फिर नीचे आपने पासवर्ड लिखा, उसके बाद आपने रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। उन्होंने लिखा है रजिस्टर सक्सेसफुली। अभी हम मैं चलता हूँ यहाँ पे लॉगिन के ऊपर। लॉगिन पे यूजर ने वही मेरा पासपोर्ट नंबर ही होगा, और यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड लिखना है, और फिर यहाँ पे ये लिखना है जो उन्होंने लिखा हुआ है, 5 ही आ जाएगा। फिर यहाँ पे लॉगिन, इसके ऊपर आने के बाद भी मेरा पेज ओपन हो गया, इसके ऊपर भी मैंने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन लिखा हुआ है, मैं एप्लीकेशन पे जाता हूँ, अपने सबसे पहले मैं प्रोग्राम पे जाऊँगा।
यहाँ पे देखें तो दिया हुआ है बैचलर मास्टर डॉक्टरेट, क्योंकि ये सिर्फ जो होता है जो स्कॉलरशिप होती है मास्टर और डॉक्टर लेवल पे होती है, ये जो मिलती है आपको CSE की, तो मैं यहाँ से मास्टर डिग्री को सिलेक्ट करूँगा। अभी मैं अपनी सारी यहाँ पे चीज़ें फिल करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। यहाँ पे देखें सबसे पहले मैंने यहाँ पे फिल किया हुआ है, मैंने यहाँ पे लैंग्वेज लिखी, इंग्लिश को मैंने सिलेक्ट कर लिया, फिर नीचे मैंने प्रोग्राम को अपने को सिलेक्ट किया, फिर उसने स्कूल को इसने खुद ही सिलेक्ट कर लिया, फिर मैंने यहाँ से लिखा CGS चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप इनटेक 2024, फिर नीचे इंटरनेट से मुझे पता चला, गूगल से, फिर उसके बाद मैंने चाइनीज़ लैंग्वेज को कर दिया नहीं आती, फिर इसका मैंने कर दिया एडवांस, मुझे इंग्लिश आती है, अदर्स मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वॉज इन इंग्लिश। ये करने के बाद अभी मैं चलता हूँ नेक्स्ट पेज के ऊपर, नेक्स्ट को मैंने इसको मैंने जब सेव किया, सेव करने के बाद मैं नेक्स्ट पे आ गया, नेक्स्ट पे आने के बाद ये अभी आ गया है बेसिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मैंने अपना नाम ऊपर, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, फिर उसके बाद पासपोर्ट एक्सपायरी, पासपोर्ट नंबर, फिर नीचे जेंडर, फिर उसके बाद यहाँ पे देखें सिटी ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, फिर उसके बाद रिलीजन, फिर उसके बाद लैंग्वेज अदर करके उर्दू, फिर उसके बाद अनमैरिड नो, उसके बाद बैचलर डिग्री यहाँ पे मैंने लिख दिया हेल्थ गुड, यहाँ पे फिर मैंने अपना करंट ऑक्यूपेशन स्टूडेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज इस तरह करके आप अपना लिख सकते हैं, अगर करंट कोई है, अगर आप कुछ और लिख रहे हैं तो फिर उसका यहाँ पे आप आंसर दे दें। उसके बाद नीचे हॉबीज़ के अंदर मैंने लिख दिया है कि क्रिकेट, इस तरह करके आप अपना कुछ भी लिख सकते हैं। इन सब को लिखने के बाद नीचे अब आए, नीचे आने के बाद आपने यहाँ पे भी आपने अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में अपना ईमेल एड्रेस, नीचे आपने अपना जो है वो रेजिडेंस एड्रेस इन होम कंट्री, फिर उसके बाद करंट नंबर, फ़ोन नंबर वगैरह आपने देना है, कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद नीचे आपने यहाँ पे करंट एड्रेस और करंट कॉन्टैक्ट नंबर, नीचे फिर आपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर वो भी देना है, वो मैंने इस तरह करके दिया हुआ है, फिर आपने यहाँ पे देना है कॉन्टैक्ट पर्सन एजेंसी इन चाइना, वो मैंने कुछ नहीं लिखा इसलिए कोई नहीं है। इसको करने के बाद आपने इसको भी नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, जब आप इसको भी नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अगला पेज आ जाएगा, अगले पे आपसे आपकी एजुकेशनल के बारे में पूछ रहा है, यहाँ पे आपने यहाँ पे आगे टाइप करना है, यहाँ पे जब आप आएंगे यहाँ पे टाइप कर, इस तरह की माउस जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने टाइप करके उसको अपना सन और फिर डॉट डाल के उसका जो है मंथ लिख देना है, कब आपने स्टार्ट किया, कब ख़त्म किया हाई स्कूल, फिर स्कूल का नाम, फिर वो कंट्री पाकिस्तान, फिर वो प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल, इस तरह करके आपने यहाँ पे वो भी लिख देना है, फिर उसके बाद आपने रिजल्ट जो था उसका कितने परसेंट मार्क्स थे वो, फिर इसी तरह आपने अपना जो बैचलर का है वहाँ यहाँ पे बैचलर का लिखना है, कब आपने स्टार्ट किया, कब ख़त्म किया, कौन सी यूनिवर्सिटी थी, उसके बाद फील्ड है, कंट्री को आप यहाँ से सिलेक्ट करके लिख सकते हैं, मैंने फ़िलहाल यहाँ पे नहीं लिखा, चले वो मुझसे नहीं हुआ, लेकिन आपने यहाँ पे चूज़ करना है, उसके बाद फील्ड ऑफ स्टडी, फिर उसके बाद आपने डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स ऑब्टेन, वो भी आप इसी को कॉपी कर दें, उसके बाद नीचे आपने रिजल्ट का लिख देना है कितने परसेंट है, फिर आपने अदर एजुकेशन अगर आपके पास 2 ईयर्स 2 ईयर्स है तो इस तरह उसको भी लिख सकते हैं, या कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा उसको लिख दें। इन सब को भी करने का आपने इसको सेव पे बटन पे क्लिक करना है, मैंने इसको ऑलरेडी सेव किया हुआ है, फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस अदर एक्सपीरियंस इसको मैंने नो नो कर दिया, फिर उसके बाद फैमिली इंफॉर्मेशन यहाँ पे उन्हें लिखा था फादर नेम एज फिर नेशनैलिटी फिर उसका ऑक्यूपेशन टेलीफोन नंबर ईमेल एड्रेस, तो मदर का भी आपने लिख के अपना ही बेशक ईमेल यहाँ पे अपने ईमेल को यहाँ पे कॉपी कर दें। इन सब चीज़ों को करने के बाद आपने इसको भी नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, जब आप इसको भी नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे अभी आप आखिरी पेज पे आ गए हैं, यहाँ पे आके आपने अपनी सबसे पहले ऊपर अपनी तस्वीर लगानी है, यहाँ से अपलोड करके ऊपर आप नीचे, उसके बाद आपने कॉपी ऑफ पासपोर्ट, उसके बाद चाइनीज़ वीज़ा पेज वो मैंडेटरी नहीं है इसको छोड़ दें, उसके बाद डिप्लोमा बैचलर का, उसके बाद डिग्री आपकी, उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट, उसके बाद आपने लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो है आपका प्रोफिशिएंसी इंग्लिश, उसके बाद रिसर्च प्रपोजल, आप इस तरह के एक पेज है वर्ड का उसके ऊपर लिख दें क्या आप करना चाह रहे हैं,
क्यों आप इस डिग्री के अंदर हैं, आप उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि मैं इस चीज़ के लिए पढ़ने के लिए आना चाह रहा हूँ, ये करके ये मैं पढ़ूंगा, ये मैं करूँगा और इस चीज़ के ऊपर मैं आके रिसर्च भी करना चाह रहा हूँ, जो भी आपकी फील्ड है। इस तरह करके आप उनको सादा पेज के ऊपर, जो वर्ड के ऊपर टाइप करके एक पेज का बना के आधा पेज वो लिख सकते हैं। उसके बाद आपने अपने यहाँ पे CV, उसके बाद आपने रिकमेंडेशन लेटर 1, रिकमेंडेशन लेटर 2, वो जो आपको मिले हुए हैं यूनिवर्सिटी से, फिर उसके बाद यहाँ पे क्रिमिनल नो सर्टिफिकेट वो आपने बनवा लें, कहीं कहीं थाने से रख लें, या जब भी कभी ज़रूरत पड़े उसको लगा दें, जब भी चाइनीज़ के चाइनीज़ अक्सर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मांगती हैं, तो उसको लाके आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, वो जो है वो आप सिंपल उसको भी एक पेज पे लिख के, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट को, और उसके नीचे भी अपने लिख के एफिडेविट टाइप के, जी एफिडेविट है कि जी ये जो है मेरे वो वालिद जो हैं वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह करके आप उसको भी लिख सकते हैं, स्टाम्प पेपर पे भी लिख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। स्टाम्प पेपर पे अगर आप सादा के पेपर पे भी लिख के तो नीचे साइन करवा लें तो वो भी यहाँ पे चलेगा। फाइनेंशियल इसलिए कि आप तो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसके लिए आपको इतनी उसकी टेंशन नहीं लेनी है, आपने आपने वो वाला पेज ही कर देना है, सादा पेज ही। इसके बाद आपने फॉरनर फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, ये आप किसी भी डॉक्टर वगैरह से बनवा लें, वो आपको बना के दे देगा, वो आपने यहाँ पे लाके उसको भी अपलोड कर देना है। उसके बाद आपने इसको आप छोड़ दें, ये जो लिखा हुआ है आर्ट वर्क इसको भी छोड़ दें, यहाँ पे इसको भी छोड़ दें। उसके बाद नीचे ये भी जो है ये भी अभी कंपलसरी नहीं है, उन्होंने लिखा हुआ है ये भी नहीं है, जैसे ही आपको अभी आप फिलहाल इसको इस तरह भी सबमिट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि जो आपने CSE का जो फॉर्म आपने फिल किया हुआ है, जो आपको मैंने बताया कि आपने फिल करना है, उसको उसका आपने PDF भी उसका हो जाता है, PDF उसको करके तो उसको ला के यहाँ पर भी अपलोड कर दें। उसके बाद आपने इसको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है, और जो CS का फॉर्म, CS आप भरते हैं, सारा कुछ करते हैं, वो आप इस पेज के ऊपर जाके, ये मैं आपको भी साइड दिखाता हूँ जिससे ऊपर आप जाके, ये जो है ये CS है, यहाँ पे आ जाके अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, इस पे अकाउंट क्रिएट के अपना सारा आप फॉर्म वगैरह फिल करेंगे, लास्ट में उसको जो PDF में कन्वर्ट करके आपने इधर ला के उसको रख देना है। लेकिन जैसे ही आपको इस यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाए तो आपने वापस इसी जगह पे आना है, इस पे वहाँ पे बनी हुई है, मैंने वीडियो में बताया कि आपने वहाँ पे लाके इसके दा इसको जो फॉर्म है प्री एडमिशन लेटर उसको वहाँ पे आपने अटैच कर देना है, और जैसे ही फिर आपको इसका इसका टाइम इसका ख़त्म होगा CSE का, तो ये आपको बता देंगे कि इन्होंने आपको स्कॉलरशिप देनी है कि, अगर आपको ये स्कॉलरशिप दे देते हैं तो फिर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर फ्री में पढ़ेंगे। इसी तरह जितनी भी चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर आप CSE, अगर आपको ये यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं देती तो किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लें, हो सकता है वो आपको दे दे, तो फिर ला के CSE यहाँ पे ला के अपलोड कर दें। इस तरह करके अगर आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन दे देती है तो CSE की स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी, ये आसानी से मिल जाएगी, ये इसका तरीकाकार है। बाकी अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।